ये वीडियो लुधियाना के फील्डगंज इलाके की है, जहां आपसी रंजिश के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए और इसकी सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे कैद हो गई। उधर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऊंचा नंबर 9 मकान नंबर 639 मेरी दुकान है। मेरा लड़का दुकान में बैठा हुआ था और मैं अपनी दुकान पर ग्राहक थे, डील कर रहा था। मेरे लड़के ने गली से निकलता हुआ रेहड़ी पे रोक के छोले भटूरे खाने लग गया। मेरा लड़का जो छोले भटूरे खा रहा था, वो राजेश कुमार जो कि मेरा चाचा है, वो अपनी दुकान पे बैठ के काउंटर पे गंदियाँ हरकतें हाथ दिखा रहा था, हिला रहा था, गंदी हरकतें और गाली वहाँ से दे रहा लड़के मेरे। मेरा लड़का जो छोले खा रहा था, गंदी चीज़ें, भाई यह खा ले वो खा ले, गंदी गाला कट के कहता है खा ला। तो मेरे मुंडन की कितना छोला चक्के दो ऊपर सुटता, छोला सुटने के बाद मेरा लड़का अपने घर आ गया, वो फिर बाहर आ गया, गाला कटन लग गया मुंडे ने, मुंडे ने मेरे डंडा चक लिया। फिर मेरा मुंडा डंडा चक लिया, मैं देखा नहीं, मैं कहा कि मैं चक्के पीछे मुंडन छुड़ा चला गया अंदर, छुड़ा के लेके डंडा चुक के अंदर बाहर अपनी दुकान पर आ गया। फिर उदा सोहरा तो उदा साला मेरे जनानी नू, मेरे मुंडे नू, तो मेरे जनानी नू गिराता, गंदिया गाला करता, तो राजेश कुमार भी गंदिया गाला, मैं जनानी ने की कह सकता, उन्हें रहे कैमरे बीच रिकॉर्डिंग हैगा, जो उन्होंने गंदी गाला कटी है, मैं तेरे इदा चल जावा, मैं इदा कर देव, उदा कर देव, गंदिया गाला। हाँ जी, नहीं सर, मैं नहीं किया कोई कंप्लेन, पुलिस ने नहीं किया। मैं कहा चलो छोड़ो, हूँ रिश्तेदारी है, इसका नहीं किया सर। कार्रवाई मांग करते हैं? नहीं, हाँ हाँ जी सर, हूँ मैं कार्रवाई मांग करता। इन्होंने की किया कि अपने आप ही हाथ बज हाथ में टक लगा कर और जाके मेडिकल करवा के पट्टी करा के फालतू का बेफालतू इन्हें मतलब बना के हाथ में इन्होंने आके जो है यहाँ पर व्हाट्सएप पे डाल रहा है और थाने जाके रिपोर्ट करा रहा। आज मैं उसका लड़का बाहर बैठा, मेरे को गालियाँ गुलियाँ दे रहा था, छोला खा रहा था। मैंने उसको बोला गालियाँ क्यों दे रहा है, उसने मेरे ऊपर छोला फेंक से सूट दिया मेरे ऊपर। उसके बाद मैं बोला कि क्यों मतलब मुझे ऐसा करा, तो मेरे ऊपर जानी हमला किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर डांगा डूंगा मारा, मेरा हाथ तोड़ता। और मैं बार बार 2 नंबर थाने जाता हूँ, मैं कम से कम 5 से 7 कंप्लेन लिखा चुका हूँ 2 महीने के अंदर, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं 181 नंबर पर भी कंप्लेन लिखाई थी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से आर्डर आया, उन्होंने बोला कि जी आपका कंप्लेन जो है थाने करके वापस भेज दिए हैं। इसमें मंजीत नाम का बंदा है जिसकी सह है, वही सारा करवा रहा है। और इसके बाद जो है अगर हमारे साथ ऐसा रोज होता रहेगा तो हम 2 नंबर चौकी के सामने जाके, हमारा मुंडा 18 साल का है, वो बाथरूम में कपड़े में करता है, लेटरिन में कपड़े में करता है, उसका सामने वाला कोई नहीं है, हम जाके वहाँ 2 नंबर थाने के सामने आत्महत्या कर लेंगे सारे मेंबर मिलके। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।